नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव में पंजाब की जनता का सवाल, आखिर जनता लीडरों पर क्यों करे विश्वास। पंजाब की राजनीति में एक नया भूचाल दिखाई दे रहा है। राजनेता से लगातार जो है जनता सवाल पूछ रही है और राजनेताओं के अंदर भी कहीं ना कहीं दावपेच है। वो दावपेच इसलिए है क्योंकि लगातार जो लीडर है वो एक दूसरे की पार्टी का रुख कर रहे हैं, तो ऐसे में जोड़ तोड़ की राजनीति है और इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से मैडम रमा महाजन जी हमारे साथ हैं। श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत राजीव जी मैं आपसे करता हूँ। पंजाब की जनता का सवाल कि जनता चुनाव में लीडरों पे क्यों करे विश्वास, ये इसलिए है क्योंकि लगातार जनता ये सवाल अब पूछती नजर आ रही है कि भाई जिस लीडर को हम चुनते हैं, जिसको हम वोट डाल के एक जिम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन जब वो लीडर किसी अन्य पार्टी का रुख करता है और ये कहता नजर आता है कि भाई मैंने तो जनता की सेवा के लिए और अपने काम के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अपना जो है स्टैंड बदला है। एक बात बार बार ये भी आती है कि अब लीडरों का कोई स्टैंड नहीं है। एक कहावत है कि साइकिल का स्टैंड है लेकिन लीडो का स्टैंड नहीं है, ये जनता का कहना है। आखिर ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं और जब लोकसभा चुनाव है, चुनावी दंगल सज चुका है और उस दरमियान जोड़ तोड़ की राजनीति है, ठीक है वो अधिकार है सभी लीडरों के पास कि अगर वो आइडियोलॉजी पार्टी के साथ में वो इत्तेफाक नहीं रखते तो वो अन्य पार्टी का रुख करते हैं, लेकिन ऐसे में लीडर जब एक साल के अंदर तीन तीन बार पार्टियां बदले तो ये सवाल पूछना जनता का जो अधिकार है, क्या कहेंगे राजीव जी? देखिए, ये बड़ी चिंताजनक विषय है जो आपने आज छेड़ा है और इस पे सारों सब भी जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, जो देश के प्रति देश को की तरक्की चाहते हैं, उनको इस पे विचार करने की ज़रूरत है। 1950 के दशक में एक गाना आया था, बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें एक स्कूल के टीचर जो प्रिंसिपल हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हुए गाते हैं, तुम में कोई नेहरू होगा, तुम में होगा, तुम में कोई गांधी होगा। तो तब लोगों का, पेरेंट्स का ये बच्चों के प्रति, जैसे आज कहते हैं इंजीनियर बनोगे, मैनेजर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, साइंटिस्ट बनोगे, तो उस वक्त राजनेताओं का इतना मेयार बड़ा था कि माँ बाप कहते थे कि आप बड़े होकर राजनेता बनोगे, देश जनता की सेवा करोगे, कांग्रेस पार्टी में जाओगे। तब कांग्रेस पार्टी मेन पार्टी होती थी, धीरे धीरे और पार्टियां भी बनी है। तो ये उसके बाद कैसे गिरावट आई है कि आज कोई माँ बाप ये कहने को तैयार नहीं है। अगर बच्चा कहता है कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना है तो उसको डांट के बिठा देंगे। अब पॉलिटिशियन का बच्चा तो जाता ही है, लेकिन अदरवाइज कोई आम फैमिली से, मीडियम फैमिली से, हम सब मीडियम फैमिली से, हम अपने परिवार को जानते हैं, अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं बड़ा होकर राजनीतिक नेता बनूंगा तो उसके माँ बाप उसको डांट देंगे या कुछ तो चपेट भी मार देंगे, ये क्या बात कर रहा है, कोई ढंग का काम करेगा बड़ा होके, ये राजनेता क्या बनेगा। तो इतना गिरावट आ चुकी है इस प्रोफेशन में। आप राजीव जी आप कह रहे हैं कि राजनीति में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक जनता का सवाल है, वो सवाल ये है कि लीडरों की जीत जो है उसकी वजह क्या है, क्या जनता की सेवा या सत्ता पर काबिज होना? ये तो दोनों हो सकते हैं, हम ना पिन पॉइंट नहीं कर सकते। कुछ नेता आज भी जरूर होंगे जो जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो है वो अपने जीत कर पावर गेन करके और अपना अपने आप दोस्तों का, अपने मित्रों का जो फायदा है, कई किस्म के फायदे हैं उनके लिए ये आते हैं। राजनीति भी एक तरह का व्यापार बन चुका है, जो भी इसकी गिरावट का एक कारण है। तो विचारधारा कहीं पीछे चली गई है आज देश में। अगर हम इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि विचारधारा कहीं एक तरफ है लेकिन राजनीति में गिरावट जो है वो देखने को मिली। राजनीति जो है वो अब बिजनेस बन गई है, लीडर बिजनेस के तौर पर देखते हैं। पहले आइडियोलॉजी के तौर पर एक स्टैंड था और अब ये भी कहा जाता है कि साइकिल का स्टैंड है लेकिन लीडरों का स्टैंड ही नहीं है। रमा महाजन जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से हैं। मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि जब एक साल के अंदर लीडर तीन पार्टियां बदले तो सवाल है। सवाल ये भी है कि भाई जब लीडर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई ये लीडर अच्छा नहीं था, दूसरी पार्टी को छोड़ के गया है, और जब वो घर वापसी करता है तो ये कहा जाता है कि घर में वापसी हुई है तो बहुत स्वागत है, लेकिन जब वापसी के बाद सवाल खड़े होते हैं दूसरी पार्टी में जाता है तो ये कहा जाता है कि इस लीडर का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, साइकिल का स्टैंड है लेकिन इनका स्टैंड ही नहीं है। ज्यादा जो आपकी चर्चा आ रही है वो आ रही है कि आपके नेता जो है वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं,
सोचने की बात है, जो सिटिंग एमएलए हैं वो क्यों आ रहे हैं पार्टी छोड़कर, और अभी हाफ वे भी नहीं हुआ, 2 साल ही हुए हैं अभी तक उनको बने हुए, और वो 2 साल में ही, अभी 3 साल का समय है, वो अपने कर रहे हैं, यहाँ पे काम नहीं हो रहा कुछ भी। आप देख के देखो कि आप वालों ने अब तक क्या काम किया, और वो पार्टी क्यों नहीं छोड़ेंगे। उसको कहते हैं ना डूबता हुआ जहाज है, उसको तो वो छोड़ के जाएंगे डूबता हुआ जहाज। और जब एक बात सोचने की है कि अगर एमएलए है, सिटिंग एमएलए है, उसके काम नहीं हो रहे हैं, तो बाकी जनता का क्या होगा। कितनी हाहाकार मची हुई है कि कोई काम नहीं हो रहे हैं, जितने वादे किए गए सारे, एक वो जिसको कहते हैं ना ड्रामा था, एक तमाशा था कि हाँ ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे, इतने लाख लोगों को नौकरियां दे देंगे। और बड़ी मजे की बात है, मुझे कई लोग आकर पूछते हैं, हमारे सब लोग भारत हैं तो पूछते हैं आपके वो जो पैसे आने थे, महिलाओं को आने थे, वो कहाँ है पैसे। कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का महिलाओं को लेकर एक बड़ी गारंटी दी गई। पहले शब्द एक सुनते थे कि हम दावा करते हैं, हम वादे करेंगे, लेकिन अब राजनीति में एक गारंटी लफ्ज जो है वो बार बार सुनने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की, जिसके बाद सभी पार्टियों ने गारंटी देनी शुरू कर दी। राहुल गांधी की जो गारंटी है वो तो आप देख ही सकते हैं, जैसी वो गारंटी दे रहे हैं उनको तो पता ही नहीं वो किस रास्ते से जा रहे हैं, कितने घोटाले हुए हैं, कितनी महिलाओं का सम्मान है वो देख लिया। अब आपने जो एक नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने कंगना रनौत के बारे में क्या कहा है, और उनके कैसे विचार है, क्या उनकी मानसिकता है, इससे तो आप स्पष्ट ही हो सकता है कि कैसे वो कर रहे हैं और क्या चलिए वो सोच रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। एक महिला का कितना ठीक है, सम्मान है वो उनकी बातों से पता लग जाता है, और जिस तरह की चलिए भारतीय भाषा जनता पार्टी, उन्होंने इस्तेमाल की है ठीक वो है मैडम, भाषा जो है वो बिल्कुल शर्मनाक भाषा है जो उसने इस्तेमाल की है। चलिए ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आम आदमी पार्टी डूबता हुआ जहाज है, जिसे छोड़कर जो विधायक हैं वो अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ विधायक कहीं ना कहीं सहमत नहीं है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी, कैसे देखते हैं, एक तरफ गठबंधन को लेकर चर्चाएं, एक तरफ गारंटियों का दौर, चुनावी दंगल जिसमें उम्मीदवार लगातार उतारने की प्लानिंग है, एक तरफ सर्वे किया जा रहा है, जनता जिस सवाल पूछ रही है कि भाई हम जिस लीडर को चुनते हैं, जिसको हम वोट डालकर जो है सत्ता पे बिठाते हैं, उस कुर्सी पे बिठाया जाता है जहां पे जनता की आवाज और जनता के मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन आज एक बहस का विषय ये बन चुका है कि भाई जनता क्यों विश्वास करे, और जनता इसलिए विश्वास करे कि भाई जब हम जितवाते हैं उसके बाद आप अन्य पार्टी को रुख करते हैं तो वो जो है उनसे पूछा भी नहीं जाता। और जिस तरह से अब जो है पंजाब की सियासत, क्योंकि पंजाब की सियासत सेंटर से थोड़ा अलग है, सेंटर से अलग मूड में रहती है पंजाब की जनता, और पंजाब के लोग लगातार, क्योंकि सेकुलर कहा जाता है पंजाब को, और पंजाब में एक अलग तरह की राजनीति है, लेकिन जब से चुनाव जो है वो दंगल सजा है उसके बाद कई तरह के सवाल, कई तरह के जवाब, लेकिन ऐसे में पार्टियों के अंदर भी हलचल है, लेकिन ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी जो चुनाव को लेकर माहौल बना है उस माहौल में जनता जो है वो कहीं ना कहीं लीडरों के से यह सवाल जो पूछ रही है उसके जवाब भी मिलने उनको जो है लाजमी होने चाहिए। जी जजबी जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार है, और आपके सवाल का जवाब ये है कि जनता को अब पार्टियों ने कंफ्यूज कर दिया है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। देखिए, पहले कभी जब कोई लीडर होता था तो वो उसके जनता उसको अपना मसीहा समझती थी, उसको अपना भगवान समझती थी, उसको लगता था कि ये हमारे दुख सुख का साथी है, जब ये जीत जाएगा तो हम हमारे काम करेगा, हमारे अपना मोहल्ले के काम करेगा, शहर के काम करेगा, तो लोग उस उम्मीद से उसको वोट डालते थे और उसके पीछे जी जान लगा देते थे। लेकिन ये मेरे को लगता है कि पंजाब में की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दो सिटिंग एमपी और एक एमएलए कुछ ही दिनों पहले वो सेंटर की गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे कि ये है वो खराब है, बहुत कुछ, मैं क्या बताऊं आपको। अब एकदम से रातों रात एक दो दिन में कुछ ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसी जादू की छड़ी घूमी कि वही लोग पार्टी को बदल गए हैं और अब उनके गुणगान करने शुरू कर दिए हैं। तो ये लोगों को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया, ये लोग, इनका धर्म ही मान ही खत्म हो गया है। अब अजय जी, एक अजय जी, चीज आपको और क्या नोट लगता है करिए। कि जब चुनाव आते हैं ना तो एक चुनाव में एक मुद्दा रहता है लोगों के अंदर जाके लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, और लोगों को गारंटियां जिस तरह से अभी भी दी जा रही हैं, लोगों को बताया जाना कि हम तो आपके हित के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं, और सीधे तौर पर डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो है चुनाव लड़े जाते थे, लेकिन ऐसे में आज एक अलग चर्चा छिड़ चुकी है।
कि भाई जिस तरह से जनता सवाल पूछ रही है, आपको नहीं लगता कि चुनाव के समय में सभी पार्टियों के साथ इस तरह के जो सवाल पूछे जाना, तो आपको नहीं लगता कि पंजाब की जो इलेक्शन लोकसभा चुनाव में होने हैं, पूरे देश में होने हैं, लेकिन पंजाब की जनता एक एक चर्चा का विषय अलग बन चुका है। चुनावी मुद्दा ही कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं चुनावी मुद्दे से। डेवलपमेंट में मुद्दे पर चुनाव होते थे, लेकिन आज कहीं किसी और मुद्दे को लेकर चर्चा है। देखिए सर, चुनाव चुनाव तो होते ही मुद्दों को लेकर हैं और पहले भी होते रहे हैं, आगे होते आगे भी रहेंगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति ये बन गई है कि मैं तो पहले कह रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो गए, लीडरों का धर्म ही मान ही बिक गया, पता नहीं लगता कि दिन चढ़ते हुए कौन सा लीडर आपकी पार्टी को छोड़ के चला जाएगा। देखिए पंजाब की हिस्ट्री में 40 40 50 50 साल से लोग जो पार्टियों के साथ जुड़े हुए थे, जैसे कैप्टन अमरिंदर है, परनीत कौर है, जाखड़ है, काफी लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए थे, इन्होंने जनता के हितों का ख्याल ही नहीं किया, उनकी भावनाओं की कदर ही नहीं की, चुपचाप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। तो ऐसे लोगों का क्या दीन रहेगा, और लोगों का इसके अंदर रोष पैदा हुआ है, लोग ये इनसे जानना चाहते हैं कि जब आपने वोटें लेनी थी तो हमारे घरों में आते थे, हमारे कई तरह के हमें प्रलोभन देते थे, कई तरह के हमारे से डेवलपमेंट की बातें करते थे, और जब आपने अपना अपना राजनीतिक फायदा देखना है तो बिना हमारी कोई बात सुने या हमारी कोई राय लिए चुपचाप चले गए हैं। बिट्टू जी ने तो कहा है कि मेरे को तो लुधियाना के लोगों ने कहा है कि नहीं नहीं अब आपके कांग्रेस में जरूरत नहीं, अब आप चले जाइए बीजेपी में, वहां आपके लिए बहुत डेवलपमेंट है, मजदूरों के लिए डेवलपमेंट होगी, किसानों के लिए डेवलपमेंट होगी। लेकिन वापिस आपके पास लौटूंगा, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से रविंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी स्वागत है आपका, लेकिन यहाँ पे सवाल है कि जिस तरह की राजनीति पंजाब में दिखाई दे रही है, और वो राजनीति क्योंकि लगातार सवाल ये है कि जो राजनेता है वो लगातार अन्य पार्टियों का रुख कर रहे हैं, आपस में हलचल है, जिस तरह के चुनावी दंगल है उसमें लगातार ये राजनीति जो है एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां पे जनता सवाल पूछती नजर आ रही है कि भाई हमने जिनको इतने मान के साथ में जितवाया, हमने सीट पे बिठाया ताकि हमारे मुद्दों को उठाया जाए, लेकिन जब वो राजनेता सत्ता के लालच में या किसी और लालच में जब वो पार्टी से, क्योंकि गद्दारी शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ये जनता का सवाल है कि भाई हमसे पूछना तो चाहिए, और विरोध भी होता है कई ऐसी, हमने मैं रिंकू जी की बात करूंगा, विरोध भी झेलने को मिला, तो आपको नहीं लगता कि आज राजनीति का स्तर कहाँ पहुंच गया है जब जनता ही सवाल पूछने शुरू हो चुकी है? देखिए जसबीर जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो आप राजनीति के स्तर की बात कर रहे हैं। जब देश का मुखिया प्रधानमंत्री, जिसको प्रधान सेवक कहते हैं बीजेपी वाले, बिल्कुल छोटी और होछी राजनीति पर उतर आए, ओपोजिशन पार्टी का एक मेयर भी वो बर्दाश्त ना कर पाए, इस कदर राज सत्ता के अहंकार में विलीन हो जाए कि गठबंधन की 8 वोट्स को ही इनवैलिड कर दे दिन दिहाड़े, इससे नीचे का स्तर क्या हो सकता है राजनीति का? और ये पैरामीटर किसने सेट किए हैं? ये बीजेपी ने पैरामीटर सेट किए। अगर उस सारे चुनावी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी ना दे तो उससे बड़ी डेमोक्रेसी की हत्या हो सकती है। आप चुनावी और राजनीति के पद के स्तर की बात कर रहे हैं। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता अपने हकों के लिए आवाज उठाने के लिए जाना चाहता है दिल्ली, शंभू बॉर्डर में घेर कर, मैं घेर कर शब्द यूज कर रहा हूं, शंभू बॉर्डर पे घेर कर 12 बोर की गोलियां चलाई जाती हैं, उनके ऊपर रबर बुलेट्स चलाए जाते हैं, आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जाता है उनके साथ, अपने ही देश के नागरिकों के साथ। इससे ज्यादा स्तर राजनीति का नीचे का क्या आएगा? जहां पे आप पूछ रहे हैं उसी पिन पॉइंट के ऊपर लाकर मैं इसको खत्म करूंगा। एक स्टेटमेंट अगर पुलिस स्टेशन में दी जाती है, पुलिस कस्टडी में दी जाती है, इट्स सेट प्रेसिडेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ, दैट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के पास रीजनेबल डाउट होते हैं कि पुलिस तो दबका कर धमका कर कोई भी स्टेटमेंट उगलवा लेती है। तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में
दो बंदों की दी हुई स्टेटमेंट पे पिछले दो दो साल से देश की ओपोजिशन पार्टी के बड़े नेता अंदर कैसे हैं? एक किसी ओपोजिशन किसी एक बंदे की जो पीएम मोदी को 55,000 रुपया बीजेपी को चंदा दे रहा उसकी स्टेटमेंट के ऊपर आपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया, इससे ज्यादा स्तर नीचे क्या आएगा? रिंकू का ज्वाइन करना या अंगुराल का ज्वाइन करना मैं तो बहुत छोटी बात मानता हूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद क्या आम आदमी पार्टी पंजाब के जो लीडर है वो अनसिक्योर फील कर रहे हैं इसीलिए पार्टी को छोड़ रहे हैं या कुछ बड़ा लालच है? मैं कह रहा हूं हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ये बात, आम आदमी पार्टी ऑपरेशन लोटस के बारे में पहले दिन से अवगत करा रही है पूरे भारत को। क्या हुआ है महाराष्ट्र में किसी को नहीं पता, क्या राजस्थान में क्या करने की जरूरत कोशिश की गई है किसी को नहीं पता, क्या झारखंड में क्या हुआ है? देखिए मेरी भाजपा के प्रवक्ता जो हमारी आदरणीय मेरी बड़ी बहन है उनसे विनती है कि 17 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, आप इससे पहले आपके पास पर्याप्त टाइम था, हम किसी गली मोहल्ले या कूचे पे खड़े होकर बहस नहीं करते, ये नेशनल टीवी के ऊपर बहस हो रही है, आप सवाल पूछिए मेरे रिमार्क्स के बाद, आप सवाल पूछिए मैं रिबट करूंगा उसको, मेरा रिमार्क्स खत्म हो जाने दीजिए। पूरे भारत में क्या हुआ? 6,500 करोड़ रुपया चंदा क्या ये अपनी जेब में डाल रहे हैं? इन्होंने किस किस लिए मिला इनको 6,500 करोड़ रुपए? अगर 594 अगर जितने भी हमारे एमपी पूरे भारत के हैं उनको 5-5 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ भी देना तब भी 5,500 करोड़ बनता है, इनके पास तो 6,500 करोड़ है। पैसे का लालच आपके विधायकों को दिया जा रहा है वो एक्सेप्ट वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कमी है। अगर बात पार्टी के पास किस पार्टी के पास एक ऐसा थर्मामीटर है आप मुझे बता दीजिए, किस पार्टी के पास थर्मामीटर है कि वो लगाकर चेक कर ले कि ये तो बहुत सच्चा देशभक्त है जी? आपके पास है कोई थर्मामीटर? हमारे पास तो है नहीं। हाँ हमारे हमारे जो लीडर हैं जो असल में मास लीडर हैं जो असल में लोगों के लिए काम करते हैं, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी, संजीव सिंह जी, अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, गोपाल राय जी, मैं मेरी बहन को मेरे हाथ जोड़ के विनती है मेरी स्टेटमेंट खत्म हो जाए, आपके एक एक सवाल का जवाब देके जाऊंगा और आप मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एमरजेंसी के बाद पहले बार हो रहा है कि आप प्रेशर बना रहे हैं 500 वकीलों का वो और उसको एंडोर्स कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री आपके नरेंद्र मोदी जी अपने ट्विटर अकाउंट से उसको पब्लिश कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप लेके आना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर? आप अपने हरीश सालवे जो आपका सॉलिसिटर जनरल है उससे एक लेटर लिखवाते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चंद्रचूड़ जी को और उसको एंडोर्स कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी उसको एडॉप्ट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर शेयर कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भी अगर शर्म बाकी है ना बीजेपी के प्रवक्ताओं में और बीजेपी पार्टी में डूब के मर जाना चाहिए। इस डेमोक्रेसी की इस डेमोक्रेसी में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे बात मेरे सवाल का जवाब दीजिए जगदीर जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए हरीश सालवे जी, आप मेरे सवाल का जवाब मांगिए। हरीश सालवे जी ने 500 एडवोकेट से एक लेटर साइन करवा के चीफ जस्टिस को दिया, क्या मतलब बनता है प्रधानमंत्री का उसको शेयर करने का? क्या कहना चाह रहे हैं आपके सवाल कि कल को केजरीवाल का जवाब दे दे आपने सवाल पूछा है उसका जवाब दूंगा। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगा उससे पहले रमा महाजन जी जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है मैं उनका रुख करूंगा। मैडम क्या कहेंगे इनके सवाल का जवाब? इनके सवाल का ये जवाब है कि इनके पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या छटपटाहट है इनकी अपनी पार्टी में, उसका जवाब मुझे दे दें। कोई लालच नहीं है वो तो हमारी पार्टी में कोई झटपटाहट नहीं है मैडम जी, ये लालच नहीं है हमारी पार्टी में। अगर अगर हमारी पार्टी में झटपटाहट इतने सारे लोग हैं तो वो लालच में आ क्यों रहे हैं? हमारी पार्टी में कोई झटपटाहट नहीं है मैडम जी, ना ही हमारी पार्टी कहीं जा रही है, जेल में से सरकार चलेगी, जेल में से
जेल में से अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, इतिहास दोहराएंगे, भगत सिंह है वो भगत सिंह, जेल में से सरकार चलाएंगे, पंजाब की सरकार चलाएंगे। और जो टोपी वाला किल बोलते हैं पंजाबी में, पंजाबी में बोलते हैं टोपी वाला किल, जो मोटे वाला किल होता है ना उसके ऊपर कैप होती है टोपी वाला किल, वो दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी के माथे के बीच में गाड़ेंगे और पंजाब में भी नरेंद्र मोदी के माथे के बीच में गाड़ेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, पंजाब में भी, पंजाब में भी कहीं हरियाणा में भी कहीं गाड़ी चल रही है। रविंदर जी मेरी आपसे गुजारिश है कि शब्दों की मर्यादा के साथ इस चर्चा को, क्योंकि सार्थक, अरे यार उन्होंने उन्होंने डेमोक्रेसी की मर्यादा नहीं छोड़ी, आप हमें शब्दों की मर्यादा सिखा रहे हैं। जजबीर जी उन्होंने डेमोक्रेसी की मर्यादा नहीं छोड़ी, जमहूरियत को तार तार कर दिया, आप हमें शब्दों की मर्यादा सिखा रहे हैं। चलिए ठीक है मैडम, मैडम क्या कह गए, वो कह रहे कि जमहूरियत को तार तार कर दिया आपने, आपने पूरा संविधान बदल दिया। इसी तरह कोई आंच नहीं है, अब ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वादा कर रहे, दावा कर रहे हैं कि उनका यहाँ पे ठीक था डिसीजन, वहां पे केजरीवाल जाना ही नहीं चाहते थे, सुप्रीम कोर्ट से 9 बार उनको बुलाया गया तो क्यों नहीं गए फिर, क्या डर था उनको, क्यों उनको गिरफ्तार करना पड़ा? क्योंकि क्योंकि बीजेपी की मंशाओं पर सवाल है, इस सारे मैटर की टाइमिंग पर सवाल है। अजीत पवार अब जवाब दीजिएगा, मेरी बात का जवाब दीजिएगा, रमाज महाजन जी मेरी बात का जवाब दीजिए, अजीत पवार के जगदीर जी मेरे मेरा आपके माध्यम से एक निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है, रमा जी से एक सवाल पूछ लीजिए, रमा जी से एक सवाल पूछ लीजिए, अजीत पवार नरेंद्र मोदी जी एक सभा करते हैं महाराष्ट्र में, एक सभा करते हैं और कहते हैं कि जो सिंचाई घोटाला हुआ है, सिंचाई घोटाला हुआ है महाराष्ट्र में 67 करोड़ रुपए का, अजीत पवार जी ने किया, नाम लेके बोलते हैं अजीत पवार ने 67 करोड़ रुपए का सिंचाई घोटाला किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरी बात सुनिए, मेरी बड़ी बहन से बेनती है, मेरी बड़ी बहन से बेनती है, मेरा सवाल सुनिए उसका फिर जवाब दीजिए, अजीत पवार के ऊपर 67 करोड़ का एलिगेशन मैंने तो नहीं लगाया, नरेंद्र मोदी ने लगाया कि 67 करोड़ का सिंचाई का घोटाला किया है उन्होंने, 2 दिन बाद बीजेपी में ज्वाइन करवाते हैं, सुन लीजिए सवाल, 2 दिन बाद बीजेपी में ज्वाइन करवाते हैं, महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, कौन सी मशीन में लोटा उसको। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है कांग्रेस से, राजीव जी मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि जिस तरह से आपने सुना, एक तरफ आम आदमी पार्टी जो लगातार ये आरोप लगा रही कि ऑपरेशन लोटस के तहत उनके विधायकों को लालच दिया जाता है और उन्हें पद का लालच दिया जाता है, चाहे पैसे का लालच भी ये कहा जा रहा है कि 25 करोड़ की एक रकम के बार बार जिक्र होता है कि 25 करोड़ का लालच दिया जा रहा है, तो आपको नहीं लगता, क्योंकि ये लालच की जब बात आती है, अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है वो जेल में है, और पार्टी के जब मुखिया जेल में हो तो जो लीडर है, क्या उनकी एक इस बात को लेकर उनको डर सता रहा है कि हमारा लीडर अंदर है और चुनाव के समय में किसके चुनाव बैनर के नीचे चुनाव लड़ा जाए, का अनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्योंकि बार बार ये बात ऑपरेशन लोटस को लेकर पैसा और लालच की बात होती है बार बार। एक तो ये टेक्निकली वो जेल में नहीं है, वो कस्टडी में है ईडी की, अभी जेल में तो जब कस्टडी खत्म हो जाएगी तब होगी। नहीं मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि रवनीत बिट्टू छोड़ के गए थे, क्या उनको भी लालच था? हाँ जी नहीं वो ठीक है कि जेल से बहुत नेता लड़ते रहते हैं, जेल से जो जेल जाना तो जो हमारे देश का एक लेगेसी है, हमारे संविधान में नेहरू जी 13 साल जेल में रहे हैं और वहां से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गाइड किया है, तो ये कोई जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, जेल तो राजनीतिक जो केस वो बनते रहते हैं, और भाजपा तो अपने विरोधियों को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने के लिए साम दंड भेद जो कल भी बात हो रही थी लगा के, अच्छे ढंग इस्तेमाल करके, बुरे ढंग इस्तेमाल करके, गैर कानूनी काम करके एजेंसियों का, रमा महाजन जी ये पॉइंट नोट कर लीजिए, मैडम मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा, पॉइंट नोट कर लीजिए। तो उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं, जो भी थोड़ा बहुत पैसा उनके पास था, पहले तो बड़ा शोर मचता था पता नहीं कितने पैसे है कांग्रेस के पास, अभी सबके सामने आ गया कि विचार पार्टी के पास कितने पैसे हैं, है ना, दुनिया के सामने बात आ गई है, तो उसको भी उन्होंने बंद कर दिया है। आज कांग्रेस के पास अपने लीडरों को रेलवे टिकट बुकिंग कराने के पैसे नहीं है, एरोप्लेन बुकिंग कराने के पैसे नहीं है, तो यहाँ तक तो ये अपने विरोधियों को लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलना चाहिए
उसको खत्म करने के लिए ये सब काम करते हैं ताकि इनको एडवांटेज, दुनिया भी देख रही है। मतलब हम अमेरिका की निंदा करते हैं, जर्मनी की निंदा करते हैं कि उन्होंने भारत देश के प्रति या भारत की जो न्याय की या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उन्होंने बयानबाजी की है। जब अगर बाहरी देश बयानबाजी करता है, अपने प्रधानमंत्री और अपनी सरकार के साथ हैं, ये बात हम बड़ी स्पष्ट कर देते हैं, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता था कि उनको, उन्होंने कांग्रेस की जो फ्रीज किए हैं अकाउंट उसके बारे में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर टिप्पणियां की हैं, उसको निंदा करने लायक है। इसी तरह उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे भी अमेरिका ने और जर्मनी ने बयानबाजी की है, वो भी निंदा करने लायक है। हमारा अंदरूनी मामला है, हमसे धक्का कर रही है, लेकिन देश का मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। इसको हमें इतनी ताकत है, इंडिया ग्रुप में इतनी ताकत है कि मोदी को इसको सबक सिखा दे लोकतांत्रिक तरीके से। वोटरों के आप इंडी गठबंधन का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन, हालांकि पंजाब में नहीं है, ठीक है आप दावा करें, लेकिन एक सवाल मेरा अलग से आपसे ये है कि तीन दिन से ये चर्चा है, जब रवनीत बिट्टू भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कई सवाल उठाए जाते हैं, और अब चर्चा ये भी है कि आपके और बड़े लीडर बीजेपी के संपर्क में है, जल्द ही उसमें शामिल हो सकते हैं, इसके पीछे की सच्चाई? क्योंकि लगातार कई आपके लीडर जिनसे सवाल भी नहीं पूछा गया, उन्होंने ये जवाब दे दिया कि भाई मेरा कोई संपर्क नहीं हो रहा किसी के साथ, मैं अपने घर पे हूं, ये अफवाह है। हालांकि अगर जहां पर आग है धुआं वहीं पे है सर। देखिए जो ये जा रहे हैं लीडर, तस्वीर जी मेरे को ना एक इस सवाल के जवाब के बारे में एक मौका दीजिएगा, मैं अपने बीजेपी प्रवक्ता के बारे में, उन्होंने विमेन के बारे में टिप्पणियां करी थी तो उसका जवाब देना चाहूंगा बाद में। लेकिन ये बात तो जो आप कह रहे हो ना कि क्यों जा रहे हैं, ये तो जो जाने वाले नेता खुद ही बोल रहे हैं। बिट्टू जी ने हालांकि बोला है कि मैं कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने क्या बोला, रिंकू जी ने क्या बोला कि जब हम अपोजिशन में थे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा था, हमारे काम नहीं हो रहे थे, तो मलाई तो बीजेपी के पास है, तो जब बीजेपी पास जाएंगे तब मलाई मिलेगी उनको, तो वो मलाई के चक्कर में गए हैं। अब देखिए जो हमारे प्रक्रिया इलेक्शन की बड़ी महंगी हो गई है, और आदमी को ग्रोथ करने का लालच भी होता है, कुछ लोग लेजिटिमेट तरीके से अच्छे ढंग से ग्रो करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे शॉर्टकट रास्ता बनाते हैं। इसी देश में सारे हमारे भाई बहन है सारे बिगड़ गए हैं, बिट्टू जी भी बिगड़ गए हैं। आखिर ऐसा क्या है, ये जनता का भी सवाल है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है भाई, आखिर पार्टी में ऐसा क्या चल रहा है कि एक आइडियोलॉजी को छोड़कर जो है वो दूसरी पार्टी पर जाने के लिए कारण ये बताया जा रहा है कि भाई हम तो जनता की सेवा के लिए वहां जा रहे हैं। जगदीश जी मेरा एक सवाल आपसे भी है, आप ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है, बीजेपी से पूछना चाहिए कि जो देश दो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती है उसमें ऐसा क्या चल रहा है कि उसको दूसरी पार्टी से लीडर खरीदने पड़ते हैं। मैं सवाल लूंगा, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब है। चल रही है उनकी योजनाएं, चल रही है उनका विकास का मार्ग चल रहा है, जो जो योजनाएं हैं उन्होंने कही है तो। मैडम यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, राजीव जी की बात पूरी होने दीजिए, राजीव जी की बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास राजीव जी टूट जाता है। तो क्या कह रहा था मैं कि देखिए भाजपा भी तो यही कर रही है ना, वो देश जनता के बीच में काम करने के बजाय पंजाब में अपना अपनी पैठ बनाने के बजाय वो नेता खरीद रही है कि चलो ये नेता एस्टैब्लिश्ड है, इसके पीछे चार लोग लगे हुए हैं, इनको खरीद लो, हमारी पार्टी का नाम भी, हमें चार वोट मिल जाएंगे। इस तरह ये नेता कर रहे हैं कि शॉर्टकट बना रहे हैं, मेहनत से पैसा कमाने के बजाय, मेहनत से ग्रो करने के बजाय ये मलाई खाने के लिए शॉर्टकट बना रहे हैं। बीजेपी से, बीजेपी के पास खुला पैसा है इलेक्टोरल बॉन्ड से, तो मैंने कल भी बोला था कि देश में सबसे बड़ा बिजनेस हो गई है, सीधे तौर पर सेवा नहीं बिजनेस हो गई है, ये बिजनेस होगी। एक बात मैं जवाब देना चाहूंगा रमा महाजन जी का, जो उन्होंने विमेन के बारे में बोला था कि विमेन की बेइज्जती कब होती है, जब हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं दीदी, ओ दीदी, जाके बार बार बंगाल में बोलते हैं, जब वो बोलते हैं कि हमारे जो माननीय नेता है कांग्रेस के, उनकी आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है ना, लोगों को मजाक उड़ा उड़ा के औरतों का, ये पब्लिक सभाओं में बोलते हैं, ठीक है, जब वो हर रोज 10-10, 20-20 लाख के कपड़े 5-5 बार बदलते हैं, मोदी सरकार की एक दिन की कपड़ों की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है, वो भी उस देश में जब मोदी ने 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है, 2014 में इतने गरीब नहीं थे, 2014 के बाद 80 करोड़ लोगों को गरीब कर दिए जिनको वो 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो लोगों को 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट हैं, और मोदी जी 1-1 करोड़ के कपड़े बदल रहे हैं। और आपने यूपी में नहीं देखा एक दलित लड़की का बलात्कार कर दिया और जबरदस्ती उसका शव चला दिया, उन्नाव में नहीं देखा आपके कुलदीप सेंगर का नाम, अपने पहलवानों के साथ मोदी सरकार ने क्या किया है,
तो ये करते हैं आप महिलाओं की इज्जत। कांग्रेस ने तो महिलाओं को लोकल बॉडीज में 50% रिजर्वेशन दी है, उनको उनका जो मेयर है उनको ताकत दी है कि वो खुद राजनीति चला सके, अपने देश की, अपने गांव की, अपने शहर की डेवलपमेंट कर सके। तो दीदी और दीदी कहने वाले हैं ना उनके बारे में, हाँ जहां तक सवाल है उसके साथ राजीव जी का सवाल, उनके जवाब देने के लिए रमा महाजन जी है। दूसरी बात, ये बात करें दीदी और दीदी कहा, ऐसा कुछ कोई गलत बात नहीं कि दीदी को दीदी कहना कोई गलत बात नहीं है। तीसरी बात, ये बात करें लोकतंत्र की हत्या की, मेरे ख्याल ये इमरजेंसी का टाइम भूल गए हैं, 1975 का टाइम भूल गए हैं जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई थी। इनके सवालों का जवाब वहां मिलेंगे। लोकतंत्र की हत्या तब हुई थी जब इमरजेंसी लगाई गई थी, और मेरा अपना परिवार उस दौरान इमरजेंसी में कैसे रहा, किस तरह से रहा, वो मुझे पता है। तीसरी बात इन्होंने कही है कि फ्रीज कर दिए गए हैं, इतना पैसा है इनके पास, इनका तो स्विस अकाउंट्स में इतना इतना पैसा है, ये कैसे कह सकते हैं कि फ्रीज कर दिए, इनके पास ट्रेन के पैसे नहीं है, ये कहना अपने आप में एक शर्मनाक है। कांग्रेस वालों के पास पैसे नहीं। मैडम जी आपको, रविंदर जी का भी एक सवाल था, रविंदर जी का एक सवाल था, मैं चाहूंगा आप उसका जवाब दीजिए। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे कोबरा फाइल्स में, जिस गर्लफ्रेंड नरेंद्र मोदी जी की, जिस गर्लफ्रेंड का जिक्र है, जिसके पूरी फैमिली को मरवा दिया गया, उसके बारे में भी बता दीजिए। आज भी यूट्यूब के ऊपर वो सारी रिकॉर्डिंग वायरल है, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी डायरेक्ट करते हैं जो लड़की वहां किसमें किए है उसको यहाँ से पकड़ो, वो वहां पे किए उसको यहाँ से पकड़ो। वो टाइम भूल गए कि जवाहरलाल नेहरू के कपड़े धुलने के लिए वहां यूके में जाते थे, वो टाइम शायद ये भूल गए। ये झूठ है, ये झूठ है, ये कोई झूठ नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बैच भी चले गए यहां पे, वो एक निचले स्तर से ऊपर स्तर तक आना उनको पता है कि लोगों की सवाल था। मैं आपको याद दिला देता हूँ, मैंने आपको पॉइंट नोट करने के लिए भी कहा था, और ये सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता पार्टी में जा रहे हैं बीजेपी में, क्या कहेंगे? मोदी जी की योजनाएं, मोदी जी के विकास का कार्य, और उनका एक गारंटी कि जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और सारे देश ने क्या, पूरे विश्व ने ये देखा है कि जो उनकी योजनाएं हैं वो चल रही हैं और लोगों को फायदा पहुंच रहा है। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते जुमले। एक बात और कहना चाहूंगी इस समय पे, इस समय पे बीजिंग को पीछे छोड़कर मुंबई शहर जो है अरबपतियों का शहर बन गया है, और ये इसी कारण है कि मोदी जी की योजनाएं जो है वो सफल हो रही हैं। जहां तक इन्होंने, रविंदर जी ने सवाल उठाया कि 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है राशन कि हमारे पास इतना राशन है। 80% जो ग्रेजुएट्स हैं भारत के वो बेरोजगार है भाई, 84% सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड बन गया हमारा। नहीं चाहते हैं कि लोग नौकरी करें, पूरे और आप पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है भारत में। नौकरशाही चलाना मोदी जी का एम नहीं है, उनका एम ये है कि लोग अपने आप अपने बिजनेस शुरू करें और लोगों को नौकरियां दें, नौकर बनने की। अच्छा मैडम, आपके ठीक है मैडम, इसमें कितनी सच्चाई है कि आम आदमी पार्टी के लगातार ये आरोप भी है आपके ऊपर, और ये कहा जाता है कि कई विधायक आपके संपर्क में है, क्या इसमें कितनी सच्चाई, कितने विधायक हैं जो आपके संपर्क में हैं? क्योंकि वो मोदी जी की योजनाओं को देखते हुए, उनका सफर देखते हुए वो इधर आना चाहते हैं। क्योंकि आप सोचो, एक सोचने की बात है कि सिटिंग एमएलए जो है वो उनका सुनाई नहीं हो रही है, और इस कारण वो बदल के आ रहे हैं, और ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि देश में कुछ काम करना चाहे, पंजाब का भला करना चाहे, वो इसलिए बीजेपी में आ रहे हैं कि यहाँ काम हो रहे हैं। और पैसे वैसे कहने में क्या जाता है कि 25 करोड़ दे रहे हैं, 50 करोड़ दे रहे हैं, जितना मर्जी कह लो वो तो दे रहे हैं, अपने घोटाले छुपाने के लिए ये इधर कीचड़ उछाल रहे हैं बस। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं वो इसलिए हैं, जैसे आपने बताया कि भाई हमारी आइडियोलॉजी, हमारी सेवा, इस भाव के लिए हमारे पास आ रहे हैं, या अनसिक्योर फील कर रहे हैं लीडर? अनसिक्योर लफ्ज इसलिए यूज कर रहा हूँ
क्योंकि लीडरों को अपना जो आने वाला फ्यूचर है कहीं ना कहीं वो सता रहा है कि भाई आगे राजनीति कैसे की जाएगी। यही बात है कि कोई है ही नहीं यहाँ सुनने वाला, कोई आपको पूरे पंजाब में मैच्योर ऐसा नेता दिख जाएगा जो आप जनता की बात सुन सकेगा, उनको पता होगा कि कैसे काम करने हैं। आप सोचने की बात है कि सिटिंग एमएलए के काम नहीं हो रहे, आम जनता की कहाँ सुनाई होगी। कोई सड़क नहीं बन रही है, कोई वादा नहीं इनका पूरा हुआ। कहते थे नौकरियां देंगे, कोई नौकरी नहीं दी गई है। महिलाओं को देंगे इतना पैसा देंगे, कहीं नहीं दिया गया। मुझे तो बाहर के जो स्टेट के लोग हैं मजाक में बोलते हैं, कितना पैसा आ गया आपको, कितना पैसा भगवंत मान जी ने आपको दे दिया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है किसी की। बहुत छोटी सी बात है कि अगर एक सिटिंग एमएलए है, एक या दो ही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, आम जनता की सुनवाई कहाँ हो। जजबीर जी इसलिए आ रहे हैं कि भाजपा को 3 साल और पड़े हैं, तो ये जजबीर जी इसलिए आ रहे हैं कि भाजपा को रमा महाजन जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। भाजपा को रमा महाजन जैसे लोगों को जो 30-30 साल से पार्टी के लिए कुछ नहीं करे जरूरत नहीं है, उनको नए नए लोगों की जरूरत है, खाएं और इनको भी खिलाएं, उनकी जरूरत है। ये नेता जो पुराने वर्कर है इनके, वो तो आप खून के आंसू रो रहे हैं, पुराने वर्कर तो ढूंढ रहे हैं, पुराने वर्कर सब अपना काम कर रहे हैं। आपकी जरूरत नहीं है भाजपा को, भाजपा को नए लोगों की जरूरत है, जो खुद भी खाएं इनको भी खिलाएं। वो देश के लिए, पंजाब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम क्यों रोकेंगे उनको। प्रधान तो आपने बाहर से ले लिया अपना पंजाब में, आपके पास अपना प्रधान नहीं मिल सका। प्रधान की योग्यता थी इस कारण लिया उनको। एक बात पहले, ये इस पे बड़ी चर्चा हुई बीते समय में कि भाई लीडरों की कमी है, फेस नहीं होता था। हमने कई बार, रविंद्र जी आपको भी याद होगा, कई बार ऐसे सवाल खड़े होते थे कि भाई फेस ही नहीं है उस पार्टी के पास, उस पार्टी के पास लीडर ही नहीं है। और आज इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भाई हमारे जो लीडर है, हमारे जो पूरा एक हमने तैयार किए लीडर थे, वो जो है वो दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि भाई हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। मैं सिटिंग एमएलए की बात करूंगा, सिटिंग एमपी की बात करूंगा कि भाई हम तो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसी के चलते हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। चलिए ठीक है, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय जी हमारे साथ है। अजय जी क्या कहेंगे, आपने तमाम बातें सुनी, सभी प्रवक्ता है पार्टी के हमारे साथ इस समय, और आपने पूरी बहस सुनी, और बहस का फोकस इस पे था कि भाई ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों को जोड़ तोड़ की राजनीति कहीं ना कहीं वो देखने को मिली है। हालांकि चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल में इस तरह की संभावित बातें होती रहती हैं, लेकिन आज सवाल इस बात को लेकर भी भाई कोई ऑपरेशन लोटस की बात कर रहा है, कहीं 25 करोड़ की बात हो रही है, कहीं विकास की बात हो रही है, और कहीं इस बात को लेकर बात हो रही है कि हम तो काम ही सेवा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हमने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का रुख किया। और वो पार्टी जिसका विरोध करते हुए नजर आया, रिंकू की मैं बात करूंगा, संगल डाल के वो जो है पार्लियामेंट में वहां पे उस समय वो प्रदर्शन कर रहे थे। रविंदर जी आपको याद होगा कि कुछ ही समय हुआ इस बात को भी, संगल डाल के वहां पे वो प्रदर्शन कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और आज उसी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है और साथ में बैठे जो है स्टेज शेयर कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम तो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर जो है आइडियोलॉजी के चलते हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो ऐसे सवाल खड़े होंगे ना सर। रिंकू जी ने मुंह में कोड कटली डाल दी है, ना उनसे थूकी जा रही है ना वो उसको निकल सकते हैं। बात आप भी याद रख लेना, इसको रिकॉर्ड करके रख लेना, किसी नेक्स्ट डिबेट में हम इसको डिस्कस करेंगे। रिंकू जी ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, वो बोल भी रहे हैं कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जलंधर के लोगों के लिए किया है, उनको बोलना पड़ रहा है, ये उनकी मुंह की कोड किरली बन गया है। उन्होंने मुंह में ऐसी कोड किरली डाल दी है, ना उनसे निगली जा रही है ना थूकी जा रही है। बहुत बुरा हश, जो जलंधर के लोगों को धोखा दिया उन्होंने, उसका बहुत बुरा हश होने वाला है, आपको बता रहा हूं। ठीक है रविंद्र जी, ठीक है अजय कुमार जी। हाँ जी जजबीर जी, देखिए ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है तो सभी पार्टियों में चलती रहती है, इसमें से कोई पार्टी अछूती नहीं है। अगर ये बीजेपी के ऊपर कह रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी वाले भी तो यही कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनके जो 92 MLA में है, उनमें से कितने MLA जो है इनके अपने थे, जो दूसरी पार्टियों से लेके आए थे। ये कैसे किसी को ये कह सकते हैं कि जोड़ तोड़ के राजनीति बाहर ही हो रही है। अगर आपको किसी ने 25 करोड़ 50 करोड़ की ऑफर करी हुई है तो आप उसका एविडेंस दीजिए। सर मेरी बात पूरी होनी चाहिए, आप खुद ही बोलते हो कि डिबेट में नेशनल चैनल है, जरा थोड़ा अपनी बात का ही ध्यान रख लो सर, किसी और को क्या बोलोगे आप। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो धक्का लग रहा है, झटके पे झटका लग रहा है, वो आम आदमी पार्टी को लग रहा है, क्योंकि इनके जो सारे लोग थे वो प्रवासी पक्षियों की तरह बाहर से आए थे, अब वहां बैठे सत्ता का सुख भोगने के लिए कि भोगेंगे। अब जैसे ही इनको पता लगा कि इनके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी जेल में चले गए हैं, तो पार्टी का ग्राफ गिर गया है। ग्राफ गिर गया तो उन्होंने सोचा कि चलिए यही एक अच्छा टाइम है, स्विच कर जाते हैं किसी और पार्टी में, ताकि हम अपनी सत्ता का सुख भोगें।
उनको लोगों की भावना से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरी चीज, ये जो शीतल अंगराल जी हैं आम आदमी पार्टी के, थोड़ी देर पहले तो ये एक स्टेटमेंट दे रहे थे, इसका रिकॉर्ड भी है, कि मैं और मेरे साथ चीमा साहब थे, हमने डीजीपी साहब को ये कहा जाके रिटर्न में दिया है कि मुझे थ्रेट आ रहे थे, मुझे फोन आ रहे थे, मुझे 25 करोड़ की ऑफर आ रही थी, मेरे परिवार को खतरा है अगर मैंने ये एविडेंस दे दिए। अब थोड़े दिन बाद उनके स्टेटमेंट चेंज हो जाती है कि हम लोग एक कमरे में बैठे थे, मैं 9:45 बजे वहां पहुंचा था, मैंने अपना 25 करोड़ की मेरे को ऑफर दी, वो नहीं आई थी। अब इन्हीं का एक आदमी एमएलए जो सिटिंग है, वो पहले कोई स्टेटमेंट देता है, अब कोई स्टेटमेंट देता है, तो ये सारी चीजें इनके घर से ही होके जा रही हैं। ये दूसरों के ऊपर उंगली कैसे उठा सकते हैं? इनको चाहिए कि ये अपने चीमा साहब के ऊपर, अनुराग जो अपने के शीतल जी हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि इन्होंने पंजाब पुलिस को डीजीपी साहब को जो कहा है वो गलत कहा है, झूठी इन्फॉर्मेशन दिया है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए ताकि इनको पता लगे कि ये कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। अब अगली बात, इनसे बात सुनिए, ये दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, शंभू वाटर की बात कर लीजिए, गोली लगी है जी, जो उस लड़के को गोली लगी थी आपने उसके ऊपर क्या एक्शन ले लिया? 8 दिन बाद उसके ऊपर 0 FIR दर्ज करी हुई थी। एक चीज और सुन लीजिए, उंगली बाद में उठा लेना सर, पहले सुन लो। उसके बाद आप कह रहे हो कि अपना भाषा की मर्यादा नहीं रखी जाती, आपने तो सरे आपकी पार्टी के अपना एमएलए ने सरे आम विधानसभा में एक दलित को कहा था इसको जुत्ती सुंघानी चाहिए, आप कौन सी अपना भाषा की बात करते हो, मर्यादा की बात करते हो? सर है इसका जवाब आपके पास? डेवलपमेंट के नाम पे आप लोगों ने पंजाब को लूट लिया, कर्जे में इसको डुबो दिया, बातें करते हो आप सर? आप उसकी चिंता आपको भी हो रही है, करना बंद कीजिए, कम से कम आप तो बंद कीजिए। जो आपको बीजेपी के लिए दर्द है वो झलकता है, उन्होंने नहीं किया आपके साथ गठबंधन, वो दर्द जी भी उसको सिर्फ मत लेके जाइए। मैंने दर्द की बात नहीं करी है, मैंने बात ये करी है कि ये बात क्या, कौन सी पार्टी का प्रवक्ता रहा है जो खुद ही अपनी बातों के ऊपर खड़े नहीं उतरते। जितनी मर्जी बीजेपी को सपोर्ट कर लो, उन्होंने नहीं करना अकाली दल के साथ समझौता, तो कम से कम इस चीज पे तो आप ध्यान दीजिए। और जो शहीद हुआ ना, आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने 1 करोड़ शहीद का दर्जा दिया है, उस 22 साल के नौजवान को शहीद का दर्जा दिया, उसके घर जाके 1 करोड़ रुपए देके आ गया। आम आदमी पार्टी 23 लोग जो शराब पीने से मर गए हैं, जिंदगी शराब, उनको कब दे रहे 1 करोड़ रुपया? उनको कब दोगे आप सरकारी नौकरी, वहां कब दोगे? हाथ मत जोड़िए सर, जवाब दे दीजिए, जनता सुनेगी। आपको आपको ना तो एमएलए में सीट आई है कोई, बीजेपी आपका हाथ नहीं पकड़ रही, आपको एमपी में भी नहीं आएगी, तो अभी सपोर्ट करने का बीजेपी को कोई फायदा नहीं है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आपके घर में भी सेंध लग गई है, आने वाले कुछ दिनों में देखना आपकी पार्टी खाली हो जाएगी, ना दिल्ली में सरकार रहेगी ना पंजाब में सरकार रहेगी। जहाँ तक जोर तोड़ की राजनीति है उसको लेकर भी अपनी बात करिए। आपकी जनता ये सवाल पूछ रही है कि भाई हम विपक्ष और या जिस तरह से लगातार उनके मुद्दों को लेकर जिन लीडरों को जितवाया जाता है, जब वो वहां पर सवाल ना खड़े करें, तो उसके बाद जनता भी ये सवाल पूछती है कि भाई हम आपको क्यों जिताएं, हम आपको वोट क्यों डालें। लेकिन जिस तरह से पंजाब में जो है लगातार हलचल जो है राजनीति में तेज हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार जो पार्टियां हैं उनके अंदर एक घमासान मचा हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे की पार्टियों में रुख कर रहा है। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आम आदमी की बात करें, तो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति तमाम जो है पूरे पंजाब में दिखाई दे रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।